हेलो गाइज, दिस आर अंकित एंड वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में गाइज अपन बात करने वाले हैं सीएमए इंस्टीट्यूट में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम आपको टू टाइप के कोचिंग ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है आपको ओरल कोचिंग और उसके बाद मिलता है पोस्टल कोचिंग। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता ओरल और पोस्टल कोचिंग में क्या डिफरेंस है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं फाउंडेशन में उस टाइम। तो उनको नॉर्मली मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम होता है ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग का, जिससे रजिस्ट्रेशन में उनको कोई इशू नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको टू मोड्स ऑफ कोचिंग दिए गए हैं, पोस्टल कोचिंग और ओरल कोचिंग। ये आपको पोस्टल कोचिंग के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये ओरल कोचिंग के कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ ओरल और पोस्टल कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्टल कोचिंग बेस्ट रहता है। पोस्टल कोचिंग में आप अपना पोस्टल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपने चैप्टर के थ्रू, किसी भी नियर बाई चैप्टर के थ्रू, और उसके बाद जो स्टडी मटेरियल है वो आपको बाई पोस्ट अपने एड्रेस पर मिल जाने वाला है। ओरल कोचिंग में आपको अपना जो चैप्टर है ICMI का वहीं पर अपनी कोचिंग लेनी होगी रेगुलर, साथ ही वहाँ पर टेस्ट और 70% अटेंडेंस आपकी कंप्लीट होने चाहिए। पोस्टल कोचिंग जो होते हैं उसमें भी टेस्ट लगते हैं, पोस्टल टेस्ट पेपर लगते हैं, लेकिन हाल ही में पिछले एक दो साल में कोविड की वजह से ये कोई भी पोस्टल टेस्ट पेपर जो है वो सबमिट नहीं हो रहे हैं। ओरल कोचिंग में दोस्तों आपके टेस्ट वगैरह सब होते रहते हैं। तो ये है दोस्तों ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग में डिफरेंस। अब दोस्तों इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर अपन बात कर लेते। सबसे पहले पॉइंट में आपको दिया गया है कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम ही आपको चूज करना होगा आप पोस्टल कोचिंग चूज कर रहे हैं या फिर ओरल कोचिंग चूज कर रहे हैं। जैसे ही आप एक बार एनरोल कर लेते हैं उसके बाद आप वापस उसको चेंज नहीं कर पाते जब तक आपका वो पर्टिकुलर लेवल पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता। लाइक आपने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया पोस्टल कोचिंग से, उसके बाद आप चाहते हैं फाउंडेशन का आप ओरल से ही करें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये जब पॉसिबल हो जाएगा जब आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लेंगे और इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आप ओरल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक दिया गया है, जब स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन किसी पर्टिकुलर कोचिंग से कर देता है ओरल कोचिंग के लिए और उसके बाद वो अपने रहने के लिए जो लोकेशन है अपने फैमिली परिवार जो भी है वो चेंज कर लेता है अपना रेसिडेंस एरिया, तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जब तक उसको अपने रीजनल चैप्टर से उसका जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट नहीं दे दिया जाता तब तक वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है लाइक मान लीजिए दिल्ली का कोई स्टूडेंट है, उसने एक बार दिल्ली के किसी चैप्टर से रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके बाद वो जयपुर में रहना स्टार्ट कर दिया तो वो जयपुर के चैप्टर में ट्रांसफ़र करा ले, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद होता है एनरोलमेंट फॉर कोचिंग पोस्टल और ओरल मस्ट बी एटलीस्ट 4 मंथ्स प्रियोर टू द मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका एग्जामिनेशन होता है लाइक दिसंबर में आपका एग्जाम है तो जस्ट उससे 4 महीने पहले आप कोचिंग में रजिस्टर्ड होने चाहिए। लाइक यहाँ पर आपको एक और भी क्राइटेरिया दिया जाता है, अगर आप 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप जून टर्म के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आप 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दिसंबर टर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद है स्टडी मटेरियल फॉर ईच सब्जेक्ट आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। ये पोस्टल कोचिंग में स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और इसी तरीके से ओरल कोचिंग में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये भी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम चूज करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ से कोचिंग ड्यूरेशन दी गई है 4 मंथ हैविंग ए मिनिमम ऑफ 240 लेक्चर्स आवर फॉर लेक्चर्स और ईच लेक्चर्स आवर शैल बी ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। यहाँ से जो टेस्ट होते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह उसकी ड्यूरेशन यहाँ दी गई है, 40% मार्क्स जो है वो आपको चाहिए होते हैं। तो ये है दोस्तों नॉर्मली पोस्टल और ओरल कोचिंग में। एज पर माई ओपिनियन अगर आपका चैप्टर दूर है आपसे, आपको आने जाने में इशू रहता है, उसके साथ ही अगर आप प्राइवेट कोचिंग करना चाहते हैं किसी टीचर से या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप पोस्टल कोचिंग को ही चूज कीजिए, या फिर आपको चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाए। पोस्टल में मिनिमम लग जाता है 1.5 मंथ, लेकिन ओरल कोचिंग में आपको चैप्टर तुरंत प्रोवाइड करवा देता है जब उसके पास रहता है। तो ये है दोस्तों नॉर्मली इसमें डिफरेंस, और आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आए देन आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको इंस्टाग्राम पेज के हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही CMA से रिलेटेड और भी अपडेट वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।